वीजा नेम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन्स अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं NPTV इंडिया। मैं सुशील पाल आज लेकर आया हूं आपको वार्ड नंबर 21 में। वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद हैं मोहन लालवानी, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, वार्ड के पार्षद हैं, वार्ड के काम भी कर रहे हैं। कौन बनेगा मेयर शो में हम हर वार्ड में जा रहे हैं, जाकर वहाँ की असलियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड पार्षद ने क्या काम अपने कार्यकाल में किया है। तो आज कौन बनेगा मेयर शो की सवारी पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 21 के पार्षद मोहन लालवानी। इनके साथ इनके वार्ड में घूमेंगे और जानेंगे कि क्या काम इन्होंने इस 4.5 साल के कार्यकाल में किया है। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक बात भी हम इनसे करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। और ये जो इलाका है जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सिंधी बहुत रहते हैं, साईं बाबा का मंदिर है, यहाँ से हमने शुरुआत की है। तो सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड का इलाका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा एरिया आता है। चिकन सुपर एक्सप्रेस डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477733। इलाका तो अजयनगर के एंट्रेंस से लेके और ये वाला पूरा बेल्ट यहाँ साईं बाबा तक, और उसके बाद बालाजी मंदिर जो अजयनगर के एंट्रेंस पे है वहाँ से लेके झूलेलाल कॉलोनी, शिवदर्शन कॉलोनी, साईं बाबा कॉलोनी और हिलटॉप कॉलोनी, सदगुरु कॉलोनी, और ये पूरा एरिया जो ये सामने दिख रहा है ये पूरा फकीरा खेड़ा तक अपना वार्ड आता है। फकीरा खेड़ा तक आप तक आता है। अच्छा एक बात बताइए कि 4.5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा, वही मेरा सवाल है कि 4.5 साल के कार्यकाल में कितनी लागत से कौन कौन से विकास के काम आपने अपने ये जो फकीरा खेड़ा में पहले कच्ची सड़क थी, तो ये पूरा रोड जो मिसिंग लिंक के तहत ये जो बनवाया गया वो वहाँ से फकीरा खेड़ा से लेके और ये उदयनगर तक का ये रास्ता मिसिंग लिंक के तहत बना, जो ये पहाड़ी कटिंग वगैरह होके ये उस समय ये बना हुआ है। इसके अलावा ये जब मैंने कार्यकाल संभाला था यहाँ पे उस समय सारी रोडें लगभग यहाँ पे विकास न के बराबर हुआ था और सीधे चल लीजिए भी, और सारी सड़कें खुदी हुई थी और अभी ये सारा अभी उसके बाद पूरे यानी अजयनगर में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहाँ पे रोड वगैरह का इनका निर्माण नहीं हुआ हो। इसके अलावा ये साईं बाबा का एरिया में पूरी अपन ने ये जो वायरिंग है लाइट की वो अंडरग्राउंड वायरिंग कराई हुई है, तो अब उसका भी काम लगभग समाप्ति पे है, तो वो सारी अंडरग्राउंड हो चुकी है, अब उन पे भी पेवरीकरण वगैरह सारा अभी वापस करवाया। हालांकि वो रोड पहले बनी थी, फिर इनका अपने काम सरकारी ऐसे होते हैं कि रोड बनने के बाद ही आ जाते हैं, तो ये भी ऐसे ही हुआ, रोड बननी उसके बाद हुई, फिर वापस उसको ऊपर वापस पेवरीकरण कराया। ये खुदाई बहुत हो जाती है, या ये कहना चाह रहे हैं आप ना? हाँ, इनका डिपार्टमेंटों का आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके कारण, और ये सारी रोडें जो देख रहे हो आप ये वापस से बनाई हुई है। अच्छा, वापस से आपने बनाई है। अच्छा मुझे एक ये बताइए, अभी जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ रास्ते में एक गार्डन पड़ा जिसकी तस्वीर हमने हमारे कैमरे में कैद की, ये गार्डन का काम कब शुरू हुआ आपके 4.5 साल के कार्यकाल में? बहुत देरी हो गई उसमें, क्योंकि उसमें घास नहीं नज़र आई। नहीं नहीं, गार्डन तो अभी ये अपने सोसाइटी है उनके जन सहयोग से यहाँ पे बन रहे हैं। अभी इन सोसाइटी के सहयोग से ये गेट वगैरह चारों तरफ, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये साधारण सभा में भी मैंने उठाया था कि जो अजमेर में ये ठेकेदार वगैरह काम करवाते हैं तो पूरा मटेरियल चाहे सड़क का खोदते हैं चाहे बिल्डिंग का खोदते हैं सीधा अजयनगर की तरफ ही सब अपने रुख करते हैं, और आप देखोगे साईं बाबा के मंदिर की तरफ चारों तरफ जो ये कंक्रीट वगैरह पड़ी है ये बजरी और ये मलवा वगैरह वो उनके द्वारा पूरे शहर से आके यहाँ डालते हैं। इसलिए अभी इनके इन सोसाइटी वालों से बात करके अपन ने इनको यही बोला कि आप चारों तरफ गेट लगवा लो, तो यहाँ पे साईं बाबा का क्या है पूरे अजमेर से नहीं
पूरे देश से लोग बाग पर्यटक आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल शिरडी की तर्ज पे बना हुआ है, तो इन्होंने अब गेट लगवाना शुरू करा है और मैंने भी अभी मलवा वलवा हटवा के और इनसे ही इनका जो सोसाइटी की तरफ से छोड़ी हुई थी जमीन, तो इनके सहयोग से अभी ये शुरू करवाया है ये अभी शुरू। हाँ अच्छा, देखिए एक तस्वीर का और जिक्र कर लेता हूँ, जो हमको गाय ऐसे मिल जाती है, है ना, और शहर में कई लोग ऐसे कहते हैं कि सड़कों के ऊपर गाय बहुत घूमती है, लेकिन निगम के अधिकारी और निगम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, पार्षद शिकायत नहीं करते कभी इन सब। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस, नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। करते हैं, मैं आए दिन ही यहाँ आसपास तो मैं ही शिकायत करता हूँ, लोग बाग बोलते हैं तो अधिकतर मैं ही बोलता हूँ। कई बार मैंने गायों को भी, गाय पकड़ने वालों को लिए भी बुलाया, यानी उसमें भी बैलों को उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो क्षेत्र है जैसे लोहार बस्ती वगैरह तो और गुजर बाहुल्य है, तो उनका ये पालन का काम है। लेकिन कई बार क्या है, अधिकतर ये छोड़ देते हैं, तो अपन इधर थोड़ा और आगे ले लेते हैं, उसके कारण ये हम तो यहाँ से उनको पकड़वा देते हैं, लेकिन फिर वो वापस वो रास्ते पे छोड़ के और इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं, लेकिन स्थाई समाधान अभी तक नहीं दिला पा रहे। स्थाई समाधान अभी तक तो निगम में अपन ने इसके लिए भी कई बार कंप्लेंट भी करी और साधारण सभा में भी हमने पहले कई बार उठाई है ये समस्या के लिए, तो उन्होंने कई बार इनको पकड़ के ले जाते हैं तो कांजी हाउस की भी ऐसी हालत होती है, तो अगर कोई गाय वगैरह बीमार जैसे भी बीच में हुई थी तो वहाँ पे भी लोग बाग फिर पहुँच जाते हैं, भाई आप उनकी देखभाल करो, तो वहाँ पे उसके हिसाब से हम तो अच्छा। आपके वार्ड के अंदर कॉलोनियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है, सबके अपने अपने गेट लगे हुए हैं, किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि घुसने से पहले उसको एक कर लेते हैं। हाँ, बात करेंगे अभी आपके वार्ड वासियों से, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड के अंदर विधायक फंड से, निगम फंड से या फिर ADA के फंड से कितना पैसा खर्च हुआ अभी तक? ऐसी कोई यहाँ पे नहीं है आपके हमारे कॉलोनियों में, अधिकतर तो मैंने रोड पक्की बनवा दी है, लेकिन कुछ गलियां हैं जैसे अभी उसके लिए भी अभी आखिरी फंड अगर आता है तो उनको भी करवा देंगे। और अभी भी जस्ट अभी आपने देखा होगा अजयनगर एंट्रेंस पे भी वो रोड बन रहा है, एक संस्कार कॉलोनी में भी रोड बन रहा है, ऐसा कोई काम कोई रोड नहीं छोड़ा है, चाहे विधायक फंड से चाहे पार्षद फंड से और सांसद फंड से भी अपन ने यहाँ पे सांसद अपने आए थे तो उनसे भी अपन ने यहाँ पे फंड लिया है और ये काम हुआ। बाकी ये काम रह गया है जो लगभग थोड़ा नालों का रहा हुआ है, तो अब कार्यकाल लगभग हो चुका है 5 साल, तो इस चक्कर में अब अगले अगर हालांकि मैं इस समय मंडल अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी आर्य मंडल से, अगर कोई भी आएगा तो हम आगे उसको भी किसी यार भी दिया एक किसी से भी करवाएंगे। चलिए एक एक तस्वीर पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब आप ही के वार्ड के पार्षद ज्ञान सारस्वत के वार्ड में गए तब उन्होंने हमको बिजली के खंभों की एक रोचक तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे खंभों का कलर पिंक कलर से किया गया है, सौंदर्यकरण एक तरीके से उन्होंने करा। लेकिन हम शहर में जब घूम रहे हैं तो हमको ये तस्वीर नज़र आ रही है शहर के अंदर, कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर्स होते हैं ये शहर के सौंदर्यकरण को ख़राब करते हैं, आपके वार्ड की तस्वीर को ख़राब करते हैं। आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? इसके लिए भी इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये लगाते हैं ना होर्डिंग्स, आपने देखो बाहर भी लगे हुए हैं, कई बार तो मैं मालूम करता हूँ अगर नहीं होता है उनका किसी का ठेका और झुके हुए होते हैं तो उनको कोशिश करते हैं हटाने की, नहीं तो उनको संबंधित कल अगर मेरे सामने कोई आता है कोई लगाने वाला तो उसको बोलता हूँ पहले आप निगम की परमिशन दिखाइए उसके बाद लगाइए, हम उनको शिकायत तो करते हैं उनकी। और जो पिंक वगैरह की आप बात बोल रहे हो तो संस्कार कॉलोनी में करवाया है, एक दो कॉलोनी में और में भी करे हुए,
तो वो जन सहयोग से होता है, जन सहयोग से वो हो पाता है। अच्छा, आपके वार्ड के अंदर गार्डन कितने होंगे जहाँ लोग जाते हैं वॉक करते हैं? गार्डन अभी तो आपने देखा होगा, एक अभी वो बन ही रहे हैं, उनको भी अपन जन सहभागिता से बनवा रहे हैं। दो गार्डन हैं, एक तो पार्वती उद्यान है जो नगर निगम का गार्डन है, उसको अनुपम मिशन के तहत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चल के उसको भी। एक डीजे गार्डन में भी काम करा है, उसमें झूले वगैरह लगे हैं, लेकिन पार्क के लिए भी टेंडर के लिए मैंने उसके लिए भी आयुक्त महोदय को लिख के दिया है, अगर वो उसका भी जल्दी टेंडर लगने वाला है तो उसमें भी वो पार्क हो जाएगा। चलिए, उसमें भी पार्क हो जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और कौन बनेगा मेयर शो में वार्ड 21 की बातचीत को जारी रखेंगे। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. Ward 21 ke hi ek sarkari school mein is waqt hum maujood hain, uske bahar wo tasveer ek aam aapko dikhate hain jo yahan ke ward parishad hain Mohan Lalwani, unhone kaam kiya hai। ये पेड़ पौधों की तस्वीर आपने बदली, ये नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की हुआ? बिल्कुल सर, ये जब मैं पार्षद बन के आया तो इसकी हालत ऐसी थी, बिल्कुल झाड़ियाँ और ये पूरे ये सांप वगैरह ऐसे निकलते रहते थे। ये स्कूल के लड़कियों का स्कूल है, तो लोगों ने भी बोला इसमें कन्हैया खान चंदानी है, उसके सहयोग से अपन ने इसके, क्योंकि किसी का सहयोग होगा और कोई देख रेख करे, अगर अपन काम कराएं और कोई अगर ऐसे ही छोड़ दें फिर तो वो बेकार है, कोई देख पानी देने वाला वगैरह होना चाहिए, तो उसने बोले वो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। उसके बाद मैंने अपने लेबर से यानी जो भी है अपने कर्मचारी वगैरह उनके सहयोग से इसको पूरे को और नगर निगम के सहयोग से कई बार JCB वगैरह से इसको साफ़ करवा के, क्योंकि सरकारी बच्चियों की स्कूल है, इसमें ये पूरे साफ करवाया और ये सारे पौधे वगैरह यहाँ पर लगवाएँ। ये भी हमारे कन्नू खान चंदानी है, उनके सहयोग से यहाँ पे लगवाया है। इसके अलावा बच्चियों की स्कूल है तो इसमें अंदर टॉयलेट वगैरह भी मेयर साहब के उसमें नगर निगम फंड से वो भी वहाँ पे बनवाया है। लेडी क्योंकि लेडीज अंदर इनका खुद का भी वो अंदर भी वो अलग से सेपरेट बना हुआ है, उसको भी हमने सही करवाया, और दीवारें जो टूटी फूटी थी अंदर से वो भी अंदर से करवाई है। चलिए, वो भी अंदर से करवाया है। बातचीत को आगे शुरू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ का जो एक ये रोड अभी पार्वती विधायक फंड से ये भी रोड भी अभी थोड़े टाइम पहले ही बनी है, पार्वती उद्यान गार्डन है, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। उसकी तस्वीर कैसी है, वार्ड पार्षद ने वहाँ पर कैसा काम कराया है, ये हम जानने के लिए आगे की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सफाई कर्मचारी आपके वार्ड में कितने हैं, लगभग कितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं? मेरे वार्ड में 35 कर्मचारी हैं। 35 सफाई कर्मचारी आपके वार्ड में सफाई का काम देख रहे हैं एक तरह पूरी तरीके से। इस बार साधारण सभा में आप उसमें आधी लेडीज है और आधे जेंट्स हैं, तो हालांकि लेडीज से नालियां वगैरह का तो काम नहीं होता है, तो ये एक अब लेकिन जो व्यवस्था बनाई हुई है उसके हिसाब से उनसे काम करवाना पड़ता है। हाँ, बाकी जेंट्स कर्मचारी के वनस्पत लेडीज से थोड़ा काम कम होता है सफाई में, इसमें काम थोड़ा उनसे कम होता है। ये बताइए मुझे कि इस बार साधारण सभा में कौन सा मुद्दा आपने उठाया था अपने वार्ड के लिए? साधारण सभा में मैंने कई मुद्दे उठाए थे, एक तो सफाई कर्मचारियों की जो 198 वाली जो भर्ती है ना, उसके लिए भी उठाया था। इसके अलावा एक मेरे कॉलोनी का ही एक मुद्दा था काफ़ी टाइम से, उसका नाम परिवर्तन का था, उसका भी था। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया था साईं बाबा के मंदिर के आसपास जो पूरा आप देखेंगे ये मलबे वगैरह पड़े हुए हैं, तो स्वच्छ भारत के मिशन के अंदर मैंने बोला आप देखो इनको, इनके ऊपर फोकस करो और ये इनको पाबंद करो, जो भी ठेकेदार वगैरह काम करते हैं या इनको सैनिटरी इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दो, तो वो जाके थाने पर भी जाके इनको रिपोर्ट करें भाई कौन डालता है, और आप देख ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, आप कैमरों में देखेंगे, और पूरे नगर निगम के ही काम हो रहे हैं पूरे, आप देखोगे सड़कों के भी, आप देखोगे मलबे वगैरह वहीं पटके में। एक तो वो उठाया,
एक तो देखेंगे अगर सीवरेज के कनेक्शन जहाँ नीड लाइन डली हुई है उनके भी बिल आ रहे हैं, तो उसका भी मैंने मुद्दा उठाया था, तो उनके पानी के बिलों में पैसे जुड़ के आ रहे हैं। ये तो सीवरेज की एक बड़ी समस्या नहीं है वाकई पूरा अजमेर के अंदर, हर वार्ड में जाओ वहाँ पर एक समस्या दिखाई दे रही है। बिल्कुल समस्या है। चलिए, ये एक पार्वती उद्यान है, जनसेवा प्राइवेट निगम का है, ये नगर निगम का है, लेकिन इसको किसी को संभालने के लिए दे रखा है, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करने देखने के बगैर की जिम्मेदारी भी अपन देखते हैं, कहीं कुछ इसमें अच्छी तरह वो मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं, उसके हिसाब से। चिकन सुपर एक्सप्रेस डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। गार्डन है, इस गार्डन में आपको हम लेकर चलते हैं। गार्डन अजमेर नगर निगम का बताया जा रहा है, लेकिन किसी निजी फर्म को दे रखा है जो यहाँ की देख रेख करता है। घास यहाँ पर है, चेयर्स यहाँ पर लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी वॉक करने आसपास के आते हैं। अच्छा, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन भी इसी में सम्मिलित है। यही सामुदायिक भवन भी है। हाँ। और यहाँ पे जैसे कोई धार्मिक आयोजन छोटा मोटा हो वो कोई करवा लेता है, इसके अलावा तीसरे की बैठक वगैरह जो भी होती है वो अधिकतर लोग करवाते हैं, और शाम को योगा वगैरह भी यहाँ पे, और सुबह और शाम को दोनों टाइम पे योगा होते हैं, और बच्चे वगैरह खेलते हैं, बुजुर्ग वगैरह भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं। अच्छा, आपको आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में नहीं है, क्योंकि दक्षिण का एक भी वार्ड स्मार्ट सिटी में सम्मिलित नहीं हुआ, आपको दुख नहीं होता? दुख तो होता है, पर ये तो लोगों के जागरूकता के ऊपर है, आप जितना वोटिंग करेंगे उसके बाद ही उसमें अधिकतर शामिल हुए थे। चुनाव आने से पहले चुनावी बात कर ली आपने वोटिंग की? नहीं, देखो जो मैंने चुनाव के हिसाब से कभी नहीं बोला। मैंने अभी ये नेहरू नगर में भी वो पाइपलाइन खोदने का जो अंडरग्राउंड वायरिंग का था ना, तो वो ठेकेदार जी आए, बारठ साहब आए थे, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सहयोग करो क्योंकि कई जने खोदने ही नहीं दे रहे। मैंने बोला आप चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये साईं बाबा के एरिया का थोड़ा सुंदरीकरण ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि लोग बाग आते हैं ना तो ये तारें वगैरह ऐसे दिखती है और अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपन आवे नहीं आवे, लेकिन विकास जरूर होना चाहिए, तो मैंने उनको भी वो कराया था, लेकिन उस कई जने नाराज़ भी हुए थे उस समय, और रोड बनाई ही थी, पर मैंने नहीं आप तो कराओ, और सभी उसके बाद लग के उनको रोड भी बनवा दिए, सब वापस वैसा का वैसा ही करवा दिया, अच्छा लग रहा है वैसे। अब थोड़े टाइम में ये हट के और वो पोल लग जाएंगे, उस पर भी आप देखेंगे तो और रौनक आ जाएगी वहाँ पे साईं बाबा के एरिया में। अच्छा, अभी जब और पानी की पाइपलाइन है पूरे में एरिया में डल गई है। हाँ। 4 करोड़ की पाइपलाइन टंकी जागृति नगर एरिया में सेंशन करवाई थी मैंने विधायक फंड से। मैडम हमारी अनिता जी बदेल ने उन्होंने यहाँ पे पास करवाई थी, और कई कारण होते हैं, जैसे उसके लिए ज़मीन वगैरह का आया था मसला, तो फिर उस समय नहीं मिला था हमारे को, और भूमि एक्वायर का हो रहा था, तो वो भी उसके लिए वार्ड मीटिंग वगैरह करवाई है, और भूमि एक्वायर होगी उसके लिए भी चल रहा है प्रोसेस, और जल्दी वो 4 करोड़ की टंकी वहाँ पे बन जाएगी जागृति नगर में। चलिए, टंकी बन जाएगी। एक बात बताइए, आपके वार्ड में पट्टे को लेकर कोई समस्या है क्या? लोग परेशान हैं? हाँ, पट्टे के लिए लेके है। आदित्य मेहता के टाइम से जो लोहार बस्ती के लोग बाग हैं तो वो यहाँ पे उस समय आके बसे थे यहाँ पे, तो वो ADA के उनको कब्जे लेटर दिए हुए, तो वो 106 के करीब हैं परिवार, तो उनका वो चल रहा है। उनके लिए भी मैंने अपने प्रशासन शहरों के संघ उसमें मैंने उनके लगवाए थे पट्टों के, लेकिन कई बार जाके आए थे, फिर सरकार अब चेंज हो गई तो उस समय प्रोसेस चल ही रहा था, मिल जाते, लेकिन अब सरकार चेंज हो गई था। अब उसके बाद भी मैंने इनके ADA में भी लेके गया था एक बार, और उन्होंने भी सचिव साहब ने बोला था इसको दिखवाते हैं, अभी फिर मैंने उनसे वापस जो
पुराना लेटर वगैरह जो प्रशासन शहरों के संग है वो विधायक साहब महोदयों को भी दिया है और एक बार फिर अब उनके साथ जाएंगे वहाँ पर पट्टों की। चलिए एडीए की बात हो रही है, एडीए की बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का एमबीबीएस में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर।